प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कुड एंड कुड हैव के बारे में। कुड भी हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कैन के बारे में। कैन, कुड, मे, माइट, दे बोथ आर आवर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। टुडेज आवर टॉपिक इज अ कुड एंड द कुड हैव। व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ द कुड? यू कैन सी हियर एबिलिटीज ऑफ द पास्ट। कैन में भी एबिलिटी शो करते हैं, बट वो प्रेजेंट में करते हैं। बट हम जब कुड से कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हम एबिलिटी पास्ट के दिखाते हैं। सो कुड से आप जब भी कोई सेंटेंस क्रिएट करोगे, तो वहां पे आप सब्जेक्ट की क्वालिटी या एबिलिटी को शो करोगे। ये अपनी बात को हिंदी वर्जन में खत्म कहां से करेगा? सका, सकी, सके। जब भी आप अपनी कोई भी बात हिंदी में खत्म करते हैं इन तीन शब्दों से, वहां पे आप कुड का यूज करेंगे। और जब आप कुड से रिलेटेड कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इस प्रोसेस से एक सेंटेंस बना सकते हैं कुड के अकॉर्डिंग। सो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कुड के बारे में। जब भी आप कुड से रिलेटेड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सेंटेंस बना रहे हैं, आप कैसे बनाएंगे? सो यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों से ही कुड से आप कैसे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी, ही कुड गो टू होम। वह घर जा सका, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम कुड से जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो हम अपनी बात को हिंदी वर्जन में खत्म करते हैं सका से। मतलब हमारे सेंटेंस सका, सकी, सके से अगर वो खत्म हो रहे हैं हिंदी वर्जन में, देयर वी विल यूज कुड। सो यू कैन सी, ही कुड गो टू होम। वह घर जा सका, ये हम अफर्मेटिव वे में बनाएंगे। ये बात हम अगर निगेटिव में बोलेंगे कुड को लेके, तो कैसे करेंगे? ही कुड नॉट गो टू होम। वह घर नहीं जा सका। बट अगर आप अपनी ये बात इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड करके बोलनी हो, तो वहां पे हम उसे कैसे बोलेंगे? कुड ही गो टू होम, क्या वह घर जा सका। तो हम ये तीनों ही फॉर्म को यूज कर सकते हैं कुड में। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों से ही हम कुड से सेंटेंस बना सकते हैं। हम अपनी बात अफर्मेटिव में बोल रहे हैं, ही कुड गो टू होम, ही कुड नॉट गो टू होम इज अ नेगेटिव वे, कुड ही गो टू होम इंट्रोगेटिव वे। नेक्स्ट इज आवर, आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सका। आई कुड नॉट ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी नहीं चला सका। कुड आई ड्राइव अ कार, क्या मैं गाड़ी चला सका। हम ये सारी बात अपनी सका पे खत्म कर रहे हैं। सो जब भी हम कुड से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम इस तरह से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड वाला आता है कुड हैव। कुड हैव भी हमारा पास्ट ही होता है कैन का, लेकिन जब आप कुड से कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो अपनी बात को खत्म करता है सका, सकी, सके से। लेकिन जब आप अपनी बात को हिंदी वर्जन में खत्म करते हैं सकता था, सकती थी, सकते थे, पास्ट में, वहां पे हम कुड हैव का यूज करेंगे, कुड का यूज नहीं करेंगे। ये भी किसको शो करता है? पास्ट की एबिलिटी को। और इसके इंडिकेटर्स होते हैं सकता था, सकती थी, सकते थे। ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन होता है जो अपनी बात को खत्म कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर हम कुड हैव का यूज करते हैं। कुड हैव जब कोई सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे? यू कैन सी सब्जेक्ट, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब भी आप कुड हैव से कोई सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। सो कुड हैव से जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब भी हम कुड हैव किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो हमेशा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और क्योंकि ये सकता था पास्ट में है, सो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैव से आप कोई सेंटेंस कैसे बनाओगे? यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों से सेंटेंस बनाए हैं। सो यू कैन सी हैव, You could have purchased a car. आप एक कार खरीद सकते थे। You could not have purchased a car. In a negative form, आप कार नहीं खरीद सकते थे। Could you have purchased a car? क्या आप कार खरीद सकते थे? तो ये तीनों ही फॉर्म में है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। क्योंकि could have है, इसलिए मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म purchased का यूज किया है। सेकेंड है, He could have came to office. वह ऑफिस आ सकता था। He could not have came to office. वह ऑफिस नहीं आ सकता था। How could he have came to office? वो ऑफिस कैसे आ सकता था? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब could को सब्जेक्ट से पहले मेंशन किया है। बट यहाँ पे कैसे, how को यूज किया है, दैट्स वाई how को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। कैसे जब होता है, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में कैसे, how से। So how could he have came to office? वह ऑफिस कैसे आ सकता था। सो कुड हैव से जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे, तो आप वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये अपनी बात को खत्म करता है हिंदी वर्जन में सकता था, सकती थी, सकते थे। और ये सारी ही बात हमारी सकता था यानी कि पास्ट में खत्म हो रही है। सो इस तरह से आप कुड एंड कुड हैव से रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं,
और अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा आज के वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ यू रियली लाइक एंड प्रिफर माय वर्क सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन एंड कॉपरेट माय वर्क।